हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, डे थ्री में आप लोगों का स्वागत है। वेल, आज के वीडियो में हम लोग वर्ड जानने वाले हैं अलाइव के बारे में। अलाइव का यूज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके के सेंटेंस में कर सकते हैं, वेल आइए जान लेते हैं। और उससे पहले हम लोग बात करते हैं अलाइव के हिंदी का। अलाइव का हिंदी क्या होता है? वेल, इसकी अगर हिंदी की बात करें तो अलाइव मीन्स होता है जिंदा या जीवित। तो इसको यूज हम लोग किस तरीके से सेंटेंस में कर सकते हैं, आइए जानते हैं। और क्रियाशील, अचेत, कई सारे इसके हिंदी होते हैं। वेल, लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये वर्ड का यूज आप आसानी से कर सके अपने डेली लाइफ में। सभी कुत्ते जीवित थे। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे ऑल ऑफ द डॉग्स वर अलाइव। ऑल ऑफ द डॉग्स वर अलाइव। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अभी तक जीवित हो या तुम अभी तक जिंदा हो। यू आर स्टिल अलाइव। यू आर स्टिल अलाइव। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पता है कि वे लोग अभी तक जीवित हैं। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई नो दैट दे आर स्टिल अलाइव। आई नो दैट दे आर स्टिल अलाइव। यहाँ पर आप चाहे तो दैट का यूज नहीं भी कर सकते हैं बोलने के टाइम में। ये आप पर डिपेंड करता है, आप लगाना चाहे या ना चाहे। नेक्स्ट सेंटेंस, काश वो जिंदा होती। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई विश सी वर अलाइव नाउ। आई विश सी वर अलाइव नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे जिंदा रहने की खुशी है। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई एम हैप्पी टू बी अलाइव। आई एम हैप्पी टू बी अलाइव। हे दोस्तों, को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को क्लिक कर लिए ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।